हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि जो हमारे पास पुराने लैपटॉप है उसका जो पैनल है ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से मॉनिटर या टीवी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो को बनाऊंगा। तो देख सकते हो मेरे पास एक 15 इंची का लैपटॉप का डिस्प्ले है और मतलब पैनल है, इन किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, ये जो पैनल है इसको सबसे पहले क्या करना है, जो LVDS केबल होता है तो इसके अंदर ये वाला LVDS केबल लगा हुआ था जो कि पत्ते जैसा है, तो आपको क्या करना है, इसको नहीं लगाना है। अगर आपको टीवी या मॉनिटर में कन्वर्ट करना है तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड गाइस मॉनिटर के लिए है, सिर्फ यहाँ पे VGA इनपुट मिलेगा और आपको इस तरह उसके अलावा जो AV TV होता है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ज़रूरत होगी एक इस तरह की LVDS केबल की। देख सकते हो ये है यूनिवर्सल LVDS केबल और इसका लिंक, ये जो मेन बोर्ड है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और ये जो मेन LVDS केबल है इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर सकते हो। तो सिंपल से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस पैनल का डेटा सेट आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना है। तो पैनल का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो और उसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हो पैनल का नंबर LTN154P4L02। देख सकते हो पैनल का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो सबसे पहले इसको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। तो बहुत सारे लोगों का दिक्कत होती है कि पैनल का जो डेटा सीट है वो इंटरनेट से नहीं मिलता है, तो आपको मैं वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि किस तरीके से पैनल का डेटा सेट डाउनलोड किया जाता है। उसका ट्यूटोरियल मैंने पहले से बना के रखा हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पैनल का डेटा सेट किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो LVDS केबल है उसको आपको पैनल के साथ मैचिंग कराना है, जहाँ पे जो भी सिग्नल की ज़रूरत होगी। देख सकते हो मैंने जो इस लेफ्ट साइड से अगर अब मैंने स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले VCC, उसके बाद ग्राउंड और उसके बाद हमारा जो LVDS सिग्नल्स होते हैं उसका शुरू हुआ है। और उसके बाद आपको देखना होगा कि पैनल कितने वोल्टेज का है। ये जो पैनल है 3.3 वोल्टेज का है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे देख सकते हो 3.3 वोल्ट पे मैंने इसे कार्ड को सिलेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए गाइस, अब आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हो ये इस साइड जो VCC है, तो VCC को आपको देख के लगाना होगा इस तरीके से। और उसके बाद आपको ये जो साइड है देख सकते हो सिग्नल का, ये जो ट्रैक देख रहे हैं इसको आपको नीचे साइड में इस तरीके से लगा देना है, कुछ इस तरीके से। तो आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये जो चीज़ें होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, तो आपको ध्यान से लगाना होगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इन्वर्टर कार्ड की जो कि आपको LCD को जो बैकलाइट है उसको जलाने के लिए इस्तेमाल होगी, तो इसको सिंपल से आपको लगा देना है यहाँ पर इस तरीके से। और उसके बाद आपको इस LED ड्राइवर को जलाने के लिए सिग्नल आपको यहाँ से देना होगा। और कार्ड के साथ ही आपको मिल जाएंगे ये फ्रंट पैनल का कनेक्शन, तो इसको आपको लगाना है यहाँ पर, देख के लगाना है यहाँ पर। और आप बढ़िया थे, आपको यहाँ पे 12 वोल्ट की ज़रूरत होगी, 12 वोल्ट अडाप्टर की। तो 12 वोल्ट अडाप्टर आपको 3 एम्पियर वाला बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएंगे, तो आप जाके आप चेकआउट कर सकते हो नज़दीकी जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वहाँ पर जाके, 200 से 250 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे 12 वोल्ट की एक पावर अडाप्टर। तो चलिए गाइस, अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हमारा जो काम है वो हुआ है कि नहीं। और एक बात बता, अगर इसका बॉडी आप खुद बना सकते हो तो बना के इसको फिक्स कर सकते हो, और नहीं बना सकते हो तो आप सिंपली इसको वॉल में लगा सकते हो। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको मेरे कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर से हमारा जो सिग्नल वगैरह वो भी जो भी पिक्चर वगैरह आ रहा है कि नहीं देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो हमारा जो पैनल है सक्सेसफुली मॉनिटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगा के रखा हूँ, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो नज़ारा है। तो सिर्फ आपको एक बड़ा सा LVDS केबल ले लेना है और उसके बाद आपको वॉल में इसको फिक्स कर देना है, और उसके बाद आप मॉनिटर की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस, अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके का और भी नया नया वीडियोस देखने के लिए। और आप किस टॉपिक पे यार वीडियो देखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके अलावा आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।